बिल्कुल रोमांस टीवी उमर चैनल। जैसा कि भाई आपको आज सैटरडे है तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट हो यूपी जीके और साइंस को लेकर के, तो मैंने सोचा भाई वो तो चल ही रहा है आपका मंडे टू फ्राइडे वो चलता है, सैटरडे संडे हम कुछ अलग टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप होते हैं। जैसे आपके यूपी जीके, एसआई और लेखपाल में भी जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, पूछा सब में जाता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, पूछा सब में जाता है, तो लेकिन कुछ ही चीजें पूछी जाती है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू उन सारी चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज आपका आधा पोर्शन होगा, आधा पोर्शन आपका संडे को होगा, तो आप इस दोनों वीडियो को देखिएगा और पूरी अपनी जीएसटी इन दो वीडियो में ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और कंप्लीट भी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा गया है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जीएसटी जो है क्या, एक सेकेंड, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था। अगर हमारे देश में पूछा जाए कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था वो अलग हो जाता है, बट पूरे वर्ल्ड में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था तो वो आपका आ जाता है फ्रांस। कौन सा आ जाता है? फ्रांस। इसने लागू कब किया था भाई, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसने लागू किया था 1954 में। कब किया था? 1954 में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। भाई देखो, जिस तरह से हमने अपने संविधान की बहुत सी चीजें जो है अलग देश से ले रखी, उस तरह से ये जो जीएसटी है ये किसके मॉडल पर आधारित है, तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है? और ये जो है डुअल यानी दोहरी जीएसटी, यानी हमारी राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है, तो डुअल जीएसटी मॉडल है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी टैक्स। देखो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बगल लिए अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट जीएसटी कौन सा कर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा? मैंने बताया, एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, पर जीएसटी किस में आता है? जीएसटी आपका आता है अप्रत्यक्ष कर में। किस में आता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कैसा कर है या कैसा टैक्स है, तो आप लिखोगे या फिर टिक मारोगे अप्रत्यक्ष कर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, अब भाई देखो जीएसटी वस्तुओं में भी लगता है, जो सेवाएं निकाली जाती हैं उस पर भी लगता है, तो किस चीज में इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। तो वस्तुएं जो होती है ये मूर्त होती हैं और जो सेवाएं होती हैं ये अमूर्त होती हैं। देखो वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है, आप आलू दाल चावल इन सबको स्टोर कर सकते हो, बट इनका आपकी सेवाओं का क्या एक ये टाइम पीरियड के लिए निकलती है कि नहीं? जैसे आपका पीएम किसान योजना, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत अभियान, एक टाइम के लिए निकलती है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम पे ये चीज पूरा करना है, ऐसा थोड़ी ना आप उसको भंडार करके रख लो, निकाले रहो, हाँ हाँ हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो भंडारण नहीं कर सकते या फिर भंडारण नहीं किया जाता, ठीक है? फिर एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उत्पादन और खपत एक समय अंतराल में होता है, ठीक है? क्या मैंने बोला? उत्पादन खपत समय अंतराल के अंदर होता है। क्या मैंने बोला? समय
अंतराल में होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सेवाएं आ जाती है, ये एक ही समय अंतराल में होती है। किस तरह से? जिस तरह से अभी मैंने बताया कि एक ही टाइम पीरियड के लिए निकाला जा रहा है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, इतने ही इयर्स में आप इसकी सेवाएं ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना जीवन भर के लिए निकाल दिया गया, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, क्या मैंने बोला एक ही समय अंतराल के लिए निकाला जाता है कि समय डिसाइड कर दिया जाता है। क्लियर? फिर अब भाई आ जाते हैं भारत में सरकारी संस्था गठन और मुखिया। ये दो प्रकार से आती है, एक तो आपका प्रत्यक्ष आ जाता है और एक अप्रत्यक्ष आ जाता है। कैसे मैंने बोला? एक तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, प्रत्यक्ष आ जाता है और एक हो जाता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या आता है? प्रत्यक्ष में आ जाता है आपका सीबीडीटी। क्या आ जाता है? CBDT, ठीक है। और इसमें आ जाता है CBIC, ठीक है। क्या आ जाता है? CBIC। अगर इसका फुल फॉर्म बोलता है तो प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या बोलोगे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है, इसका भाई गठन कब हुआ, ये लाया कब गया, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये 1963 में तो इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? 1963। या फिर आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ आया था, क्या हुआ था? सिर्फ इसका गठन यानी बना था सिर्फ, ठीक है। क्या हुआ था? बना था। बट अगर लागू को पूछे तो ये लागू हुआ था 1964 से, ठीक है। अगर इसी के भाई मुखिया पूछे जाए, मुखिया कौन है, तो मुखिया आपको जरूर याद रखना है, जैसे अभी अप्रत्यक्ष यानी सीबीआईसी के मुखिया जो है वो चेंज हुए हैं। तो जो आपके सीबीडीटी के हैं, ये हैं जेबी पात्रा। कौन है? जेबी पात्रा, सॉरी जेबी, हाँ पात्रा या महापात्रा, जेबी महा, जेबी महापात्रा, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिस तरह से अगर इसके डायरेक्टली में आ जाती हूँ थोड़ा सा मुखिया पे, अगर इसके मुखिया पूछे जाए तो इसके मुखिया हो जाते हैं आपके विवेक जोहरी। अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है यानी सीबीआईसी की, आप क्या बताओगे? तो इसकी कुछ नहीं होती है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड। क्या बोला मैंने? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, क्लियर आपका? तो ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। भाई अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो ना, तो फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सितंबर 2021 में सरकार को जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ था, फिर कितना उसने कलेक्शन किया था? तो ये किया था 1,31,526 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा होता है ये भी, 1,31,526 करोड़ रुपए जीएसटी जो है, ये जीएसटी से जो पैसे इकट्ठे किए थे इतना गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी के घटक। अब जीएसटी के घटक जैसे आपका होता जाता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या बोला मैंने? सीजीएसटी, ये हो जाता है घटक। फिर आ जाता है आपका एसजीएसटी, फिर आपका आ जाता है आईजीएसटी। अच्छा एक क्वेश्चन जस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसमें जो जीएसटी लगेगी वो किस दायरे की लगेगी? जीएसटी लगेगी, सॉरी सीजीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। ये आपको कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना है, ठीक है, कि अगर जो है इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो उसमें कौन सी जीएसटी लगेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी के कितने टैक्स स्लैब हैं? तो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब इनकी परसेंटेज अलग-अलग है, जैसे फर्स्ट वन 0%, सेकंड वन 5%,
5%, थर्ड वन आपका आ जाता है 12%, ठीक है, थर्ड वन 18% एंड लास्ट फिफ्थ वन जो आ जाता है इसमें हो जाता है 28%। तो ये हर चीज पर अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग लगा करती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ा सा आपसे पूछ ही लिया कि कुछ चीजों पे, जैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि किस पे कितनी लगती है, जैसे मैंने लिखा मिल्क पे, ठीक है, किस पे लिखा, मिल्क यानी दूध, वेजिटेबल यानी सब्जी, ठीक है, दूध लिखा, सब्जी लिखा, नेक्स्ट आ जाता है आपका गोल्ड यानी सोने पर, ठीक है, थर्ड वन आ जाता है आपका पेट्रोल पर, एंड लास्ट वन आपका आ जाता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है, कितना कितना लगता है। तो भाई आपका जो मिल्क हो जाता है और आपका वेजिटेबल हो जाता है, इन दोनों पे ही जीएसटी 0% लगती है, ठीक है। इसके जीएसटी का दायरा थोड़ा सा अलग है, बट इनके जीएसटी का दायरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सोने पर आपका 3% लगता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे पूछ भी लिया और बता भी दिया। आपका पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपका मोटर स्प्रिट और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पे जो है कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जो टैक्स हमारी सरकार लगाती है उसके हिसाब से नहीं लगता। हाँ, राज्य सरकार इस पे लगा सकती है भाई, ठीक है, बट लगता नहीं है, ओके। राज्य सरकार अगर अपने थ्रू लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, तो इस पे टैक्स जो है, या सॉरी आपका जो जीएसटी है ये नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं कि जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन से आई, ठीक है, क्या पूछा मैंने, आपकी जीएसटी जो भारत में लागू हुई थी वो किस संविधान संशोधन से आई, ठीक है। तो जीएसटी जो है भाई 101वें संविधान संशोधन से आती है, कब से आती है, 101वें संविधान संशोधन से कब आती है, 2016 में। तो ये कुछ बेसिक और भाई इम्पोर्टेंट बातें थी जो क्वेश्चंस के थ्रू हमने समझा। हम कल पे भी इसी पे डिस्कस करेंगे, अगर मैंने पूरा आज बताया तो थोड़ा सा बाउंस भी मार सकता है आपको, वीडियो लंबा लगेगा तो आपको आगे लो एक ही वीडियो में इतना ढेर सारा पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और उसके साथ आपको क्लियर भी होना चाहिए, माइंड में अच्छे से बैठ भी जाना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट भाई बातें हैं, मैं तो यही कहूंगी आपका लगभग जितना मैं कवर कराऊंगी 50-60% जीएसटी का कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत तो भाई आप भी पढ़ोगे ना, कहीं से भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे पेपर में ज्यादा आने की संभावनाएं रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।